दोस्तों अंकिता मिश्रा एंड यू आर वाचिंग नेक्स्ट नाइन लाइफ। आज के इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प खुलासा करने वाले हैं और ये खुलासा है खुद शाहरुख खान को लेकर। बॉलीवुड के बादशाह कहने जाने वाले शाहरुख खान के बारे में क्या आप जानते हैं कि इनकी पहली कमाई क्या थी? शाहरुख खान क्या हमेशा से एक्टिंग करते थे? एक्टिंग से पहले शाहरुख खान ने आखिर कौन सा प्रोफेशन चुना था? आज इस रिपोर्ट में इसी बात पर करेंगे चर्चा। बता दें कि यह शाहरुख खान की पहली कमाई सुनकर आप चौंक जाएंगे। शाहरुख खान ने अपनी करियर की शुरुआत में 50 रुपए की कमाई की थी, उनकी सैलरी 50 रुपए थी। खास बात तो ये है कि शाहरुख खान ने एक्टिंग करके नहीं बल्कि मैनेजर के तौर पर पैसे कमाए थे। दरअसल पंकजू दास को तो सभी जानते हैं, सिंगर पंकजू दास के उस वक्त काफी कॉन्सर्ट हुआ करते थे, उसी कॉन्सर्ट में मैनेजर का काम करते थे शाहरुख खान, और शाहरुख खान ने मैनेजर का काम करते हुए 50 रुपए कमाए थे। ये उनकी पहली तनख्वाह थी और कुछ वक्त तक उन्हें इसी तनख्वाह से अपना गुजारा करना पड़ता था। बाद में धीरे धीरे उन्होंने दूरदर्शन से अपना काम शुरू किया। दूरदर्शन में उनका पहला सीरियल सर्कस आता था जिसमें शाहरुख खान पहली बार नजर आए थे। उसके बाद तो सफर जो चलता गया, आज पठान और जवान जैसी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में एक ही साल में दे चुके हैं और इसी साल के अंत में अब डंकी भी आने वाली है। कहा तो ये जा रहा है कि डंकी भी इसी तरीके से ब्लॉकबस्टर होने वाली है। राजकुमार हिरानी के साथ शाहरुख खान डंकी बना रहे हैं और डंकी के प्रमोशन में इन दिनों काफी बिजी हैं। बता दें कि दिसंबर में डंकी रिलीज होगी। ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और आगे क्या होता है कहानी में वो तो दिलचस्प होगा देखना। फिर बात करें शाहरुख खान की, तो इन दिनों खबर ये भी सामने आ रही है कि शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के साथ भी नजर आने वाले हैं, जिसकी शूटिंग भी जनवरी 2024 में शुरू होगी। फिल्म का नाम होगा किंग। हालांकि इसकी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो जल्द ही इसकी ऑफिशियल जानकारी भी दे दी जाएगी। पहली बार ऐसा होगा कि शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। ये कहानी भी एक बाप और बेटे की होगी, जहां पर एक्शन के साथ भरपूर फिल्म में कई दूसरी चीज दिखाई जाएगी। फिलहाल आपको कैसे लगी शाहरुख खान की ये खास रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइफ।